नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिविशियस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नए अपडेट के साथ आए हैं जो यूजी के लिए एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है। तो इस अपडेट में जो अभी आपका रिज़ल्ट आया हुआ है CUET UG का, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एप्लीकेशन शुरू हो गया है इंटीग्रेटेड PG के लिए, जो मतलब 5 ईयर प्रोग्राम होते हैं या 4 ईयर प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आपको यूजी के साथ पीजी की भी डिग्री मिल जाती है। उन कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो जो भी यूजी वाले स्टूडेंट हैं, जो यूजी में एडमिशन लेने हैं, उनके लिए ये अहम रिपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। तो CUET जिन्होंने भी यूजी क्लियर किया है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में वो इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म्स उनके आ गए हैं। NDTV एजुकेशन की ये न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी भी पे भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये सही न्यूज़ है। तो जो भी इच्छुक हैं एडमिशन लेने के 5 ईयर इंटीग्रेटेड PG प्रोग्राम में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में वो एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 5 अक्टूबर रखी गई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट डेट ना बीत जाए आपको, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, जितने लोग भरना चाहते हैं। 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है और मेरिट लिस्ट जो भी आएगी वो 12 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी और नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन 18 अक्टूबर, यानी नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर को आपके सामने लाया जाएगा जो भी सिलेक्ट हुए हैं। फीस पेमेंट का जो विंडो है वो भी 18 अगस्त को खुलेगा। आप जैसे जो भी जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा वो फी पेमेंट कर सकते हैं, वो विंडो भी 18 अगस्त को खुलेगा और अक्टूबर 27 को आपको एडमिशन लेटर इशू किया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है और क्लासेस जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है जो आप देख सकते हैं कि 3 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी जब आप फॉर्म अब फिल करेंगे। 18 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, 18 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। उसके बाद 21 अक्टूबर को आपका लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपका मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके नाम होंगे, और 27 तक आपको वहाँ पे एडमिशन लेटर मिल जाएगा। उसके बाद आप 1 तारीख से क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करती है 5 ईयर इंटीग्रेटेड में। तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड में आपको MSc मैथमेटिकल साइंस, MSc फिज़िक्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड में MSc केमिकल साइंस, MSc बायोलॉजी, MSc अप्लाइड साइंस जियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री और MSc इन हेल्थ साइकोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। और भी कोर्सेज हैं जैसे MA इन तेलुगु, MA इन हिंदी, MA इन लैंग्वेज साइंस, MA इन उर्दू, MA इकोनॉमिक्स का भी 5 ईयर का कोर्स है। तो जो भी यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार भर लीजिए, आपको एडमिशन लीजिए, आप यूजी पीजी दोनों करके निकलिए, दोबारा CUET देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। MA हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक साथ ही आप 5 साल पूरी यूजी पीजी दोनों करके आप बाहर निकलिए वहाँ से। तो एक फीस रहेगी जो आपको पे करनी होगी, यूनिवर्सिटी फीस जो रहेगी, काउंसलिंग की एक फीस काउंसलिंग की भी रहेगी, प्रिस्क्राइब फी है, वो आप पे करेंगे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। उसके बाद सीट अलॉट की जाएगी मेरिट के ऑर्डर में, ये उन्होंने कहा है। और जिनको भी सीट नहीं मिलेगी उनकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो ये भी डरने की बात नहीं है कि अगर सीट नहीं मिली तो फ़ी का क्या होएगा, तो फ़ीस वो रिफ़ंड कर दी जाती है। और काउंसलिंग की जो फ़ीस होती है वो ज़्यादातर कॉलेजेस में बाद में आपके फ़ीस के साथ मिला के उसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये हम देख लेते हैं। आपको अपने सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इन सब की स्कैंड कॉपी आपको लगेगी। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे थे अब तक। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप तैयार रखिए। और जल्दी से जल्दी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं
इसको फॉर्म को भरिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और एक साथ ही आपको 5 ईयर कोर्स करने का मौका मिल रहा है, तो आपको बार बार एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना होगा। आप सीधे सीधे आप यूजी में भी अपने बैचलर्स यानी बीए की बीए जो भी इकोनॉमिक्स से अगर करना चाहते हैं तो बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, और साथ ही उसमें एमए की भी डिग्री उनको मिल जाएगी, एमए भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जो भी यूजी के स्टूडेंट्स हों, जिससे अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस शुरू करें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।